स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा, बद्रीनाथ मंदिर था बौद्ध मठ। क्या सच बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य या सियासत के चलते छेड़ दी बहस? जाने विकिपीडिया की किन लाइनों को अधूरा बोल स्वामी मौर्य खेल रहे सियासत। सनातन धर्म के चार धामों में से एक धाम बद्रीनाथ मंदिर को लेकर सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा खुलासा किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि बद्रीनाथ मंदिर 8वीं शताब्दी से पहले बौद्ध मठ था। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये बात विकिपीडिया पर लिखी हुई है। रामचरितमानस की चौपाइयों पर विवाद छेड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस दावे के बाद जनता ने सोशल मीडिया पर विरोध जताना शुरू कर दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य विकिपीडिया के जिस लेख के बारे में आधार पर दावा कर रहे हैं उस पर यह कहा गया है। कुछ इतिहास के जानकारों के अनुसार ये दावा किया जाता है कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ मंदिर बौद्ध विहार मठ था। वह ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर का आर्किटेक्चर मंदिर पर बनने वाली कलाकृतियां बौद्ध मठों के मिलती जुलती है। ऐसे में कयास लगाया जाता है कि 8वीं शताब्दी से पहले मंदिर बौद्ध मठ हो सकता है। इस बात को और मजबूती तब मिलती है जब ये दावा किया जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं सदी में बद्रीनाथ मंदिर को चार धाम में से एक मंदिर के रूप में स्थापित किया। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर के अंदर बने गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप और मूर्तियों के मुताबिक ये मंदिर हिंदुओं की आस्था से जुड़ा लगता है। वहीं हजारों सालों पहले लिखे वेदों में बद्रीनाथ मंदिर का जिक्र होना भी मंदिर के अस्तित्व का प्रमाण है। अलकनंदा नदी की गोद में बने मंदिर को लेकर अनेकों पौराणिक कथाएं भी हैं, जिसके मुताबिक जिस स्थान पर भगवान बद्री ने तपस्या की थी उसी स्थान पर बद्रीनाथ मंदिर बना है और मंदिर गढ़वाल के राजाओं द्वारा बनाए जाने का दावा किया जाता है। बात रही बौद्ध मठ की, अगर वह बौद्ध मठ होता तो इतने बड़े बौद्ध मठ के अगल बगल बौद्ध आबादी जरूर होती, जबकि वहां ऐसा नहीं है। फिलहाल ये बड़ी चर्चा का विषय है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले से रामचरितमानस पर टिप्पणी कर विवादों में थे वह फिर से विवादों में आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात तब कही जब उसे ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर सवाल पूछा गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जवाब देते हुए कहा, ज्यादातर मंदिर कब्जा करके बनाए गए हैं, अगर गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो बद्रीनाथ मंदिर को भी बौद्ध मठ होने का दावा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।